नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, लेनेस्ट मलाड, मुंबई से। प्रेगनेंसी के दौरान पेट दर्द, ये एक ऐसा सिम्टम है, एक ऐसा चिन्ह है जो हर स्त्री जो प्रेग्नेंट होगी उसे कभी ना कभी होना ही है। सो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि पेट दर्द क्यों है और क्या ये डेंजरस है जिसकी वजह से हमें डॉक्टर के पास तुरंत भागना है? कौन से समय हमें ये सोचना है कि ये चीज़ के लिए हम इग्नोर करें या वेट एंड वॉच करें, और कौन से समय हमें ये एक्शन लेना पड़ेगा, ये डिसीजन लेना चाहिए? आज हम डिस्कस करेंगे वो टॉप 5 कारण जिनकी वजह से पेट दर्द होता है लेकिन हमें खतरा नहीं है, और ऑल्सो वो टॉप 5 कारण जिसकी वजह से हमें अगर दर्द होता है तो हमें तुरंत एक्शन लेना है और हॉस्पिटल जाना है, और वो कौन से 5 ऐसे चिन्ह हैं जो यदि होते हैं तो हम हॉस्पिटल जाना हमें नेसेसरी होता है। सो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो कॉमन आम तौर पे जो पेट दर्द होते हैं जिसमें खतरा नहीं है, जो रूटीन होते हैं और फिर भी हम विचलित होते हैं, ऐसे कौन से दर्द हैं? सबसे पहला नंबर 1 जिसे हम कहते हैं राउंड लिगामेंट पेन या स्ट्रेचिंग या खिंचाव वाला पेन। आमतौर पर स्त्री कहेगी कि मुझे पेट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा है, खिंचाव जैसा लग रहा है, दर्द तो नहीं करूँगी लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है डॉक्टर साहब। ये शुरू शुरू के कुछ महीने में होता है, साधारणतः 1.5-2 महीना 3 महीने में ये पेन ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो और वो खिंचता है, जैसे कि एक फुग्गा फूलता है, वैसे बच्चादानी फूल रही है तो वो खिंचाव वाली फीलिंग आती है। तो ये सबसे पहला कारण है। एक्चुअली ये कोई खतरे वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है, ये ज़्यादातर स्त्रियों को ऐसा हो सकता है। दूसरा सिम्टम जो हमें विचलित करता है वो है गैस या बदहजमी या कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़, ये सारी चीज़ें जो प्रेगनेंसी में हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन हमारे शरीर में बढ़ जाता है उसके वजह से आंतड़ी की जो मूवमेंट है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। सो आप जो भी खा रहे हैं वो बहुत देर तक पेट में स्टमक में जमा होता है और बहुत धीरे 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 मूव हो रहा है, क्योंकि प्रकृति सब चीज़ अब्जॉर्ब करना चाहती है। उस वजह से डिस्टेंशन, ब्लोटिंग, गैस वाली फीलिंग, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, और जैसे जैसे बच्चादानी ऊपर होती है तो वो आंतड़ियों को थोड़ा सा पुश करती है और वो स्ट्रेचिंग वाली फीलिंग या ब्लोटिंग वाली फीलिंग आने लगती है। तो अगेन, इसमें आपको चिंता नहीं करना है, ये कोई खतरे वाली चीज़ नहीं है। तीसरी चीज़ जो सबसे कॉमनली हमें पेशेंट इन्फॉर्म करते हैं कि दर्द हो रहा है वो है साधारण सा बेबी के मूवमेंट्स। आपका बच्चा है, वो कोई शांति से बैठने वाला व्यक्ति नहीं है आपके पेट में, तो बच्चे तो मूव करते रहेंगे, उनके सारे खेल होते रहते हैं, गुलंटी मारते रहते हैं। अब वो जब रैपिड मूवमेंट होता है उनका, जोर से किक होता है तो सडनली डॉक्टर जोर से दुख रहा है मुझे वाली फीलिंग आती है, वो भी खतरे वाली बात नहीं है, वो चिन्ह है कि आपका बच्चा अंदर हेल्दी है और आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। चौथी चीज़ वो है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं फॉल्स लेबर पेन। मतलब एक्चुअली लेबर पेन चालू नहीं हुआ है लेकिन आप विचलित हैं कि अरे मुझे दर्द आ रहा है, पेट कड़क और नरम हो रहा है, डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पेन तो नहीं हो जाएगा। देखिए, टुवर्ड्स द एंड, आखिरी समय में, आखिरी महीनों में बच्चादानी जो है वो अपने आप को तैयार कर रही है लेबर के लिए। सो उसके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डेवलप हो रहे हैं, एक प्रकार से असली जो मेन शो होगा उसके पहले का ये रिहर्सल चल रहा है, और उसकी वजह से ये थोड़ा सा पेन आपको महसूस हो सकता है। पर ये जो पेन है वो रेगुलर नहीं होता, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होती है, और थोड़ी देर आता है फिर बंद हो जाता है। डॉक्टर साहब मुझे पेन चालू हुआ और 10-10 मिनट में 15-15 मिनट में 1-2 बार पेन आया फिर बंद हो गया, एंड बाद में कुछ नहीं, मैं अपने रूटीन काम में लग गई। सो इस प्रकार के जो पेन होते हैं वो हम कहते हैं कि डरिए मत, कि हम इसे कहते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। आखिरी जो 5वां चीज़ है जिसकी वजह से हमें खतरा नहीं है और हमें डरना नहीं है, वो है आपका नॉर्मल रेगुलर लेबर पेन। हर इंसान यही चीज़ के लिए तो रुका हुआ है कि कब उसको नेचुरल लेबर पेन चालू हो और डिलीवरी हो, तो आप उसके लिए भयभीत ना हो। नॉर्मल लेबर पेन्स हैं, ये भी आपको पेन फील कराते हैं, बट ये आखिर पार्ट में होते हैं 9 महीने कंप्लीट होते वक्त। और ये पेन कैसे होते हैं, ये कमर से आगे की तरफ आते हैं, पेट उसके साथ साथ कड़क और नरम होता है, ये रिदमिक इन नेचर होते हैं, मतलब आया और गया, आया और गया, इस तरह से आते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि पहले 10 मिनट में एक आ रहे थे, फिर 5-7 मिनट में एक आ रहे हैं, फिर 5 मिनट में एक, फिर 3 मिनट में एक, फिर 2 मिनट में एक, इस प्रकार से उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है, उनकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। तो पहले हल्का लग रहा था और अब वो ज़्यादा होते जा रहा है। सो इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी और इंक्रीजिंग इन ड्यूरेशन, मतलब उन पहले एक 5-10 सेकेंड तक रुकता था, फिर 15 सेकेंड तक रुक रहा है, फिर 20-30 सेकेंड तक रुक रहा है, 40-50 सेकेंड तक रुक रहा है, इस प्रकार से ये पेन आते हैं। और इसके साथ में आपको थैली का मुंह खुलता है, लीकिंग होती है, कभी कभी थोड़ा स्पॉटिंग हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती है। सो ये टॉप 5 कारण हैं जिसकी वजह से आपको पेन हो सकते हैं, लेकिन ये कोई डेंजरस कारण नहीं है और ये सब स्वाभाविक है और बहुत कॉमन है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से टॉप 5 कारण हैं जो हमें, हम कहें कि भाई ये अगर होता है तो
खतरे की घंटी है। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी के शुरुआत में अगर आपको बहुत सीवियर पेन एब्डोमेन में हो रहा है, लोअर पार्ट में, नीचे के पार्ट में, क्योंकि उस वक्त बच्चादानी बहुत छोटी है और वो नीचे ही है, और उसके साथ में आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें देखना है कि कारण क्या है। सो नंबर वन कारण है कि पेन और ब्लीडिंग यदि हो रही है तो हमें ये पहले तो ये रूल आउट करना है कि कहीं एबॉर्शन या मिसकैरेज या गर्भपात तो नहीं हो रहा। सो ये चीज़ हमें देखना है। और कभी कभी प्रेगनेंसी बच्चादानी की जगह ट्यूब में या कहीं और बाहर हो जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग होती है और जो जान को ख़तरा कर सकती है। इसलिए अगर ब्लीडिंग हो रही है और बहुत सीवियर पेन हो रहा है शुरुआत के प्रेगनेंसी के समय में, सेकेंड थर्ड मंथ में, आप तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। दूसरा कारण जो हमें विचलित करता है वो लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के आखिर समय में, अगर सडनली पेट पत्थर की तरह कड़क हो जाए और बहुत ज़ोर से पेन हो रहा है, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है और रिलैक्स ही नहीं हो रहा, कंटिन्यूस कड़क है, और उसके साथ में यदि ब्लीडिंग है तो एब्रप्शन जिसे हम कहते हैं, एब्रप्शन प्लासेंटा, इस चीज़ का खतरा हो सकता है। यहाँ क्या होता है कि जो बच्चादानी है उसके अंदर माँ और बच्चे के बीच में एक प्लासेंटा नाम का एक जिसको कहते हैं हम, जो मदर और बेबी के बीच का कनेक्शन है, वो सेपरेट हो जाता है और वहाँ ब्लीडिंग हो जाती है। अगर वो ब्लीडिंग अंदर ही जमा होती है तो हम उसे कहते हैं कंसील्ड, और अगर वो बाहर आके ट्रिकल होकर बाहर, ब्लीडिंग बाहर आके दिख रही है तो हम कहते हैं रिवील्ड एब्रप्शन प्लासेंटा। ये एक खतरनाक चीज़ है और हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ सकता है क्योंकि माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा दे सकता है। पर ये पेन बहुत सीवियर होता है और कंटिन्यूस होता है, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो हमें भयभीत करता है या विचलित करता है वो है प्रीएक्लैम्पसिया। जब किसी स्त्री का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तब उसकी लिवर के अंदर भी स्वेलिंग आने लगती है और उसकी वजह से उसके एपिगैस्ट्रिक रीजन में, यानी कि यहाँ पर, और ये जो रिब केज है उसके नीचे जहाँ लिवर होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रैक हम कहते हैं, ये जो जगह है मतलब पेट के ऊपरी और राइट साइड में, ये पेन ज़्यादा होता है। अगर ये पेन है और उसके साथ में चक्कर, उल्टी, चिड़चिड़ापना, रेस्टलेसनेस और ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, सूजन बहुत ज़्यादा आती है कई बार ये पेशेंट्स को, स्पेशली जब वो सुबह सुबह उठते हैं तब ज़्यादा सूजन होती है इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो आराम करके उठे हैं, ऐसी परिस्थिति में यदि पेन होता है तो हम उसे प्री एक्लैम्पसिया कहते हैं। और ये जो प्री एक्लैम्पसिया है ये पेन हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो कभी कभी स्त्री को आंकड़ी या कन्वर्जन आ सकता है, जिसे हम एक्लैम्पसिया कहते हैं। ये हो गया तीसरा कारण। चौथा कारण जो हमारे दिमाग में आता है जिसे हम कहते हैं प्री टर्म लेबर, मतलब समय से पहले दर्द चालू हो जाना, यानी अभी 9 महीने पूरे नहीं हुए, अभी 7वां महीना या 8वां महीना चालू है और स्त्री को पेन चालू हो गया है, गर्भवती स्त्री को, तो इसे हम कहते हैं प्री टर्म लेबर या समय के पहले डिलीवरी होना। ऐसी परिस्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि बच्चे को हम अगर जितना ज़्यादा समय माँ के पेट में दे सकें वो बेहतर होता है, नहीं तो कांच की पेटी में रखना पड़ता है, जिसे हम NICU कहते हैं, और थोड़ा डेंजरस परिस्थिति हो जाती है। और पांचवा और आखिरी कारण वो है जो किसी भी स्त्री को हो सकता है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, उस वजह से भी तो आपके पेट में दर्द हो सकता है, जैसे कि आपको अपेंडिक्स का भी इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में स्टोन भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, आंतड़ी में इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी इन्फेक्शन, ऐसे कई कारण हैं जिसमें आपके पेट में दर्द हो सकता है। कभी कभी बच्चादानी में फाइब्रॉइड की गांठ होती है तो भी आपको पेन हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नॉन प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ें हैं, फिर भी आपको प्रेगनेंसी में बहुत पेन उससे हो सकता है। तो यदि आपको ऐसा कोई चीज़ हो तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। अब हम आते हैं टॉप 5 रीज़न जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ हो तो आपको घर में नहीं रुकना है और डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। सबसे पहले तो अगर आपका पेट असहनीय हो रहा है, अगर ये जो दर्द है असहनीय है और बहुत ज़्यादा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं और डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि क्या आपको आगे कुछ ज़रूरत है इलाज की या नहीं। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तब आपको घर में नहीं रुकना है। अगर दर्द के साथ ब्लीडिंग हुई तो हो सकता है वो अबॉर्शन हो सकता है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है एब्रप्शन हो सकता है डिलीवरी की दर्द हो, आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। नंबर 3, अगर पेन के साथ में आपको फीवर है, बुखार है या कपकपी है, शिवरिंग है, राइगर्स है, पेशाब में डिस्कम्फर्ट है जैसे कि यूरिनरी इन्फेक्शन में होता है, या वो रेडिएटिंग कमर से आगे की तरफ पेन आ रहा है यानी कि किडनी स्टोन हो गया, या आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रैक में इस जगह पर बहुत ज़्यादा टेंडरनेस या पेन है, तो अंदर आंतड़ी में इन्फेक्शन है, ये सारे फैक्टर होंगे तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। चौथा कारण, अगर ये जो पेन अगर बाकी प्री मॉनिटरी सिम्टम्स हम कहते हैं उसके साथ एसोसिएटेड है, व्हाट आर दोस, हेडेक, आँख के सामने अंधेरा आना या डबल दिखना या धुंधला सा दिखना, चिड़चिड़ापना, रेस्टलेसनेस, और पेट में इस भाग पे राइट हाइपोकॉन्ड्रैक और एपिगैस्ट्रिक रीजन, तो ये प्री एक्लैम्पसिया के क्षण हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं। आपको अपना ब्लड प्रेशर तुरंत चेक कराना चाहिए, कहीं ज़्यादा हो तो एक्शन लेना पड़ेगा। ये चौथा कारण हो गया। और पांचवा कारण, एक चीज़ आप समझिए,
कि अगर आपको पेन अनकंट्रोल होता है और साथ में ब्लीडिंग, वजाइनल डिस्चार्ज या नीचे से फाउल स्मेल आ रही है या इन्फेक्शन है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए। सो ये कारण अगर आपके दिमाग में आए तो तुरंत आप डॉक्टर के पास पहुंचें। ये सब कहने के बाद में हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे, अगर आपको साधारण पेन है या ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, तो आप क्या उपाय कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ से मुक्ति मिल सके। सो अगर वो हल्का फुल्का राउंड लिगामेंट पेन या स्ट्रेचिंग पेन है, बेबी के मूवमेंट का पेन है, तो आप जस्ट एक थोड़ा सा वॉक लगा लें या रेस्ट कर लें या अपना पोस्चर चेंज कर लें तो भी आपको फ़र्क पड़ सकता है। मे बी एक गर्म पानी से आप नहा लें, शावर ले लें, तो भी आपको ये डिस्कम्फर्ट जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिलैक्स रहिए। ज़्यादातर जब आपको दर्द पेट में महसूस होता है तो वो कोई बहुत बड़ी खतरे की घंटी नहीं होती है। और अगर आपके मन में थोड़ी भी शंका है या थोड़ा भी डाउट है, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत जाके मिल लें। वो आपको इमीडिएटली चेक करके बता सकेंगे कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।